नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर रहे थे बिग बॉस मराठी के रीसेंट एपिसोड्स की। अभी मैंने ज्यादा समय तो नहीं मिल पाया, श्राद्ध की पूजा भी थी कल अमावस्या, तो बहुत बिजी और भागदौड़ वाला माहौल रहा, तो मैं ज्यादा तो नहीं देख पाया। लेकिन जितना भी मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें इस वीडियो में मैं करता हूं। सबसे पहले तो वीकेंड का बारे में महेश मांजरेकर जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में और बड़े ही प्यार से घर वालों को समझाया था, उसको उत्कर्ष को भी समझाया था, मीरा को भी समझाया था, जय को भी समझाया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग इधर से सुनते हैं और इधर से ही निकाल देते हैं। अरे हो, कौन महेश मांजरेकर जी, आपको सीरियसली ले, अपने को तो खेलना है। चलो, जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलते हैं। महेश मांजरेकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप गेम खेलो बट फेयर तरीके से खेलो, आप ग्रुप में रहो, दोस्ती करो, एक दूसरे के साथ बनाओ, बट खेल के टाइम पर तो कम से कम इंडिविजुअल तरीके से खेलो। अब ये जो ट्रॉफी जो है वो तो एक है, कोई उसको क्या ग्रुप में बांट दोगे क्या? यहां जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, जो कि मैंने देखा, जैसे कि एक दिन पुराने एपिसोड में वो मटका वाली टास्क चल रही है, टेलीफोन पर बार बार कुछ बजता है, तो कार्य उपकार्य मतलब टास्क सब टास्क, इन सारे ही टास्क वगैरह में विशाल निकम दमदार खिलाड़ी के रूप में निकल के आ रहा है। चाहे वो अपनी टीम में रहे चाहे वो दूसरी टीम में रहे, वो अपना 200% दे रहा है। और जिस तरह से अपडेट्स आई हैं कि वो कैप्टनसी की दावेदारी में जा चुका है, और जो रात को जो एक सर्कल में चलना है बाउल में पानी लेकर के, जहां उसका बाउल फेंक दिया गया, काफी ज्यादा फिजिकल यहां पर सब हो रहे हैं। एक दिन पहले मटके वाली टास्क में भी ऑलमोस्ट मारने कूटने की नौबत आ गई थी, वो टास्क बिग बॉस ने रद्द जरूर करे, लेकिन इसके पहले क्या जबरदस्त हाथापाई और एकदम मरने मारने पर लोग उतारू हो गए। खूब धक्का धुक्की हो रही है, खूब एक दूसरे से ग्रजेस निकाले जा रहे हैं, रंजिशें निकाली जा रही हैं। लेकिन एक चीज जो कि ऊपरी तौर पर हमें एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है, विशाल निकम जो कि टास्क में बिग बॉस ने टीम शफल कर दी है, तो विकास और विशाल की जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर टास्क में अलग होती है। मतलब जय वीरू हो चुके हैं अलग, अब ये अपनी टीम के प्रति लॉयल रहेंगे या अपनी दोस्ती को प्रायोरिटी देंगे? नहीं, यहाँ पर ये अपनी टीम के प्रति लॉयल है और टीम के प्रति ये अपना जी जान लगा रहे हैं। तो ये जो एपिसोड कल रात वाला था, ये जब शुरू होता है तो थोड़ा सा उसका सोनाली और विशाल का आपस में यूं ही फन वाली लड़ाई हो रही थी। इसके साथ हम देखते हैं कि मीनल के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि मीनल जो है वो फेस पर बोल नहीं पाती, गट्स ही नहीं है। वहीं ये लोग विशाल के बारे में भी बात कर रहे थे कि विशाल वेड़ा है, मतलब पूरी तरह से वो तो पागल है, पागल सांड की तरह वो सिर्फ फिजिकल होना जानता है। और ये बातें कौन कर रही थी? ये बात कर रही थी मीरा, जो कि एक एपिसोड पहले खुद जय था आई थिंक, जिसने वो मटके वगैरह फोड़ने की शुरुआत करी थी और काफी ज्यादा फिजिकल होने की शुरुआत जय ने की थी। तो साबित हो रहा है कि महेश मांजरेकर साहब जो बोलते हैं वो इन लोगों के मगज में नहीं घुस रहा है। ये लोग विशाल को पागल बोल रहे हैं, मीनल को गट्सी नहीं है, लेकिन ये खुद कितने गट्सी हैं, इन्हें अपने गिरेमा में झांकने की देखने की सख्त जरूरत है। इन सब के साथ दादूस भी बैठा हुआ था, और मीरा थी जो कि बोल रही थी कि वो कितना पागल, एकदम बौखला जाता है, जबकि आप सबने देखा कि क्या था क्या नहीं था। यही नहीं, हमने टास्क में अक्षय कितना फिजिकल हो जाता है, उत्कर्ष जिसको बोला महेश मांजरेकर जी ने कि तेरे में दिमाग बहुत है, सही जगह पर लगा, लेकिन उत्कर्ष भी गलत ट्रैक पर ही चल रहा है। मीरा को आईना दिखाया गया लेकिन मीरा भी गलत ट्रैक पर ही चल रही है, सुधरने का ये लोग नाम नहीं ले रहे हैं। उधर विकास और विशाल जो कि दोस्त यार हैं, जिगरी हैं, लेकिन वो टास्क में अलग है, तो जीतने का जुनून सब में है और सब अपना अपना बेस्ट देना चाहते हैं। इसी माहौल में एक और ये जो टास्क चल रही है, फर्नीचर किसका रहेगा, फर्नीचर टॉयलेट किसके कंट्रोल में रहेगा, इस तरह की यहां पर बिग बॉस एकदम फनी वे में टास्क करा रहे हैं। कुछ पहेलियां भी बूझो तो जाने, कुछ चीजें छुपा दी गई हैं, एक रिडल टाइप का होगा अनाउंस, आपको जाकर के ढूंढना है कौन सी टीम जल्दी वो पजल सॉल्व कर लेगी, वो रिडल सॉल्व कर लेगी, वो पहेली वो टीम जीत जाएगी। सो इस तरीके से बिग बॉस ने यहां पर काफी क्रिएटिव तरीके से टास्क डिजाइन किए हैं, ये पहली वाली टास्क, रिडल वाली, जहां दिमाग बहुत लगाना है। इन शॉर्ट यहां पर बुद्धि और बल दोनों का ही सामंजस्य बिठाकर, और ऐसे लोग जो कि खुल नहीं रहते उन्हें संचालक बनाकर वो कितना बढ़िया फेयर तरीके से खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, जैसे अक्षय को संचालक बनाया गया, इधर तृप्ति और आविष्कार संचालक बने, तो यहां पर टास्क के माध्यम से बिग बॉस कंटेस्टेंट को खोलना चाहता है। और विकास एंड विशाल वो एक दूसरे से अलग होकर अपनी लॉयल्टी किसके प्रति रखते हैं ये दिखाने की कोशिश की गई। मीरा, उत्कर्ष, जय जो वीकेंड पर महेश मांजरेकर साहब ने समझाने की कोशिश की, क्या बातें उनके पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? जी नहीं, बिल्कुल सब ऊपर बाउंसर निकल गए इन लोगों के, इन लोगों ने ना सुधरने की कसम खाई। हाँ, जय ने स्टार्ट में दिया था इंडिकेशन कि वो फेयर जाएगा, लेकिन वो भी बहती गंगा में चल रहा है। मतलब ये जो ग्रुप है यहाँ पर वही ढाक के तीन पात वाला माहौल चल रहा है। ये लोग हाँ जरूर टास्क के टाइम पर विशाल को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन टास्क के इतर होकर ये लोग बिचिंग भी शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो, दूध में मक्खी की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं।
लेकिन जहां तक मैंने देखा और जहां तक अपडेट्स आई हैं, विशाल ने डेफिनेटली ये जो टास्क चल रही है जहां सबके बाउल फेंके जा चुके हैं, वो मुंह के अंदर पानी भरकर अभी भी बैठा हुआ है। इससे पहले वाली भी जो टास्क हो और उससे पहले वाली जो भी टास्क, चाहे वो टॉर्चर वाली या फिर वो जो मटके फोड़ना, मटका फोड़ा फोड़ी, सब आपने देखा कि विशाल ने अपना 200% दिया है और जबरदस्त तरीके से कैप्टनसी का वो दावेदार बनने का मेरे हिसाब से तो लायक है। सो मेरे नजरिए में अगर मैं कम शब्दों में कहूं ना, तो ये दो एपिसोड के अंदर खूब सारा बवाल हुआ, खूब सारा धमाल हुआ और यहां पर विशाल नाम का एक कमाल हुआ, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है इन अ पॉजिटिव वे। ऐसे तो बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं हिंदी बिग बॉस में चली रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट नेगेटिव जाकर कहीं ना कहीं सारा अट्रैक्शन अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन वो नेगेटिव वे में, और यहाँ विशाल निकम है जो कि एकदम पॉजिटिव वे में बढ़िया तरीके से पूरा शो कहीं ना कहीं अपने आसपास इर्द गिर्द घुमा रहा है और उसकी बातें हो रही हैं, जबकि वो विशाल किसी की चुगली नहीं करता, एकदम बढ़िया फेयर तरीके से खेल रहा है। वो जानता है कि दूसरी टीम में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो अपना 200% दे रहा है। वो जानता है कि वो जिस टीम के विरुद्ध खेल रहा है वहां उसके दोस्त हैं, लेकिन वो फिर भी जिस टीम में है उसके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है और पब्लिक को विशाल निकम का यही साइड पसंद आ रहा है। So, ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं क्षमा चाहूंगा आपसे क्योंकि मैं रेगुलर ये रिव्यू डाल नहीं पाया ड्यू टू सम, जैसे कि मैंने बताया शराब की पूजा थी और भागदौड़ वाला कुछ समय रहा है, इसलिए रिव्यू डालने में मैं थोड़ा सा विलंब हुआ मुझे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि कल से रेगुलर मैं देखूं और रेगुलर अपडेट्स और रिव्यू आपके सामने लेकर के आऊं। फिलहाल ये वीडियो यहाँ खत्म करता हूं मैं, आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।